और आप देखेंगे आज हमारा जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है उसका आज हम सर्वे कर रहे हैं। और जब हम एक जगह है ग्यूला बंदरकोट जहां पर हम अभी पहुंचे हैं और ये बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही, बिल्कुल एक बोर्ड लगा हुआ है मेरे बाईं तरफ, आप देखेंगे विश्वनाथ आजीविका स्वयं सहकारिता सहकारिता संग्रहण केंद्र है ये। और सरकार ने 10 लाख रुपए लगा करके इस बिल्डिंग को बनाया है और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि शायद जो सरकार ने पैसा खर्च किया है वो शायद वसूल हो रहा है। यहां पर जब हम पहुंचते हैं तो कुछ आजीविका के एम्प्लॉय हमें मिलते हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और बिल्कुल अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, शानदार बिल्डिंग बनी हुई है जहां पर बिल्कुल कार्यरत हैं लोग। कहीं ना कहीं सरकार जो ये आजीविका का प्रोजेक्ट चला रही है उसका शायद कहीं ना कहीं काम देखने को मिल रहा है धरातल पर। जब हम पहुंचते हैं देखते हैं वहां पर जो कार्यरत लोग हैं उनसे बात करते हैं कि हाउ डू दे वर्क, हाउ डू दे का मेक अ प्लान, हाउ दे मेक अ सोसाइटी काइंड ऑफ वट एवर दे देयर जस्ट एक्टिविटीज ऑफ द वर्क, उस पर हम जरा फोकस करते हैं। जस्ट लेट द टेक हिज इंटरव्यूज। और आप देखते हैं यहाँ पर एक आजीविका के एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं। मैं जरा पूछता हूँ उनसे क्या है। यस सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्री सेवक राम चमोली। सेवक राम चमोली जी, सर बताएंगे आप क्या, आप किस तरीके से आप काम करते हैं, क्या है ये डिपार्टमेंटल जो वर्क करते हैं आप? सर हमारे यहाँ पे जो विश्वनाथ स्वयं सहकारिता है, एड्रेस है ये, राइट राइट, इसमें यहाँ पे संग्रहण केंद्र बन रखा है। तो हम लोग यहाँ पे जो गांव में जो मतलब उत्पादन होता है, जैसे जो गांव में लोकल उत्पाद होते हैं, जैसे आलू हो गए, अदरक हो गए, राइट, उसको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको बाजारीकरण करते किस हैं। तरीके से आप लोगों से वहाँ पर जो आप मिलते हैं कैसे, कि आप समूह टाइप का बनाते हैं, आप जी क्या हमारे करते हैं? वहाँ पे स्वयं सहायता समूह बन रखी प्रत्येक गांव में, राइट तो जो हमारे अध्यक्ष कोष अध्यक्ष सचिव होते हैं उनके माध्यम से हम राइट समूह इकट्ठा करते हैं वहाँ पे, राइट। वहाँ से उनके माध्यम से हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको तो आप बाजारीकरण जब करते वहां हैं। से उनसे अदरक दालें ये कोदा झंगोरा जो आप जी खरीदते हैं, क्या उनको पैसा आप कैश देते हैं? पैसा उनके समूह खाते में दे फिर देते वो हैं, जब आप कलेक्ट करते हैं उसके बाद उसको आप कहाँ आगे उसके भेजते उसके हैं? बाद हम आगे वहाँ जाते हैं, मीटिंग करते हैं। जो जैसे किसी में लगे 10 किलो अलग अलग होते हैं, एक किलो राइट की एक किलो की पाए नहीं, राइट। उसको तब उसको क्या करते हैं, पैसे अपने हाथों से बांटते मेला बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्या में। आपको लगता है क्या इस चीज से कुछ गांव वालों को फायदा होता होगा? बहुत फायदा हो रहा सर, गाँव वाले में फायदा हो रहा। राइट अब यहाँ पे हम चाय पत्ती लाते हैं, राइट अदरक है, ये मसाले हैं, राइट दरांती है, मतलब राइट जो भी मतलब महिलाओं जो हमको पहले डिमांड देते हैं वहाँ से कि राइट हमको ये सामान दो आप, राइट तो हम उसको खरीद के उनको अच्छे रेट में उनको उपलब्ध करवा बहुत देते बहुत धन्यवाद चमोली जी। हैं। और धन्यवाद। चमोली जी यहाँ पर इनका कहना है गांव में जाके समूह बनाते हैं, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी आप गांव में समूह तैयार करते हैं, उसके बाद उनके माध्यम से उनकी जो डिमांड होती है आप उन तक पहुंचाते हैं। और उनके खेती में जो अदरक दालें और गढ़वाल में जो भी ये सब चीज खेती में उपलब्ध होता है वो कलेक्ट करके ये बाजार में भेजते हैं। शायद बहुत बहुत तारीफ करनी होगी आजीविका वालों की यदि वो इस कार्य को वास्तविक धरातल पर देखने को मिलता है। आगे हम गांव की तरफ आज जा रहे हैं शूट करके, देखते हैं अंदर ऑफिस में जाके कि ऑफिस भी है, किस टाइप का ऑफिस है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंटरव्यू के लिए। यशपाल बिष्ट कैमरामैन के साथ महेश बहुगुणा, उत्तरकाशी उत्तराखंड गंगोत्री विधानसभा से ग्यूला बरसाली पट्टी।